उनको स्पॉट करना इतना आसान। आप देखिए दूर से अगर हम पीओवी देखें गॉब्लिन का, उस स्मोक क्लाउड के अंदर स्पॉट करना कितना डिफिकल्ट हो जाएगा। वहां पे एश अगर निकलते भी है कुछ सेकंड्स के लिए स्मोक क्लाउड से बाहर, बट लुक एट गॉब्लिन गो यहां पे लगातार प्रेशर क्रिएट करते हुए नो सेकंड नॉक कम्स इन फ्रॉम गॉब्लिन। बिलीव को भी उन्होंने यहां पे नॉक कर दिया। ओरांगुटान हैड द नंबर्स जो सोल को रोक सकते थे यहां से, बट लुक एट दिस टीम वापसी करते हुए उस ओवरऑल रैंकिंग के अंदर पहले स्थान के ऊपर डोमिनेशन असर्ट करते हुए आगे बढ़ती हुई सोल की टीम आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। गॉब्लिन यहां पे आगे, ओमेगा ने एक बार फिर से बिलीव को गिरा दिया है, बट जस्ट सामने एश मौजूद, प्रेशर लगातार उनके ऊपर क्रिएट किया जा रहा है। एलिमिनेट होने का रिस्क सीधे ओरांगुटान के ऊपर, एंड आगे बढ़ते हुए लगातार एंड गॉब्लिन इस जबरदस्त वर्ल्ड विक्ट्री को फिनिश ऑफ करते हुए दिखाई दे रहे, बट दूर से यहां पे वॉकआउट के किरीटों ने इंस्टेंटली उनको नॉकआउट कर दिया है। ये फायदा हो गया कहीं ना कहीं कि सोल ने क्लोज इन किया और ओरांगुटान पे, एंड नाउ ओ माय गॉड, मैं बोल ही रहा था कि नाउ वॉकआउट गॉट द मैन एडवांटेज, बट यहाँ पे उसी राइज किया गया। गॉब्लिन को अक्षत रिवाइव दे रहे हैं, बाबा वहां पे बहुत कम एचपी बचे, क्रीटो का रिवाइवल इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, लेट्स सी क्या होने वाला है। फिलहाल दोनों टीमें थ्री मैन स्क्वाड जरूर है, बट बियर्ड बाबा और उनके एक और प्लेयर ऊपर होने तो चाहिए, बिकॉज़ लेफ्ट साइड में क्रू तो नॉक पड़े हुए। मैं ओके, मुझे ऐसा लगता है सोल का एक प्लेयर खत्म हो गया है ट्रूपर, बट नहीं, सोल तो पूरी फोर मैन स्क्वाड, इट्स अ 4v1 सिचुएशन एंड बियर्ड बाबा इज द ओनली प्लेयर जिसको एक अलग ही